तो पार्क प्लस में एक नया अपडेट आ गया है, वो अपडेट क्या है उसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा वो भी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आ जाएगा पार्क प्लस का, ठीक है। अगर आप पार्क प्लस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको देखिए रिडीम नाउ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे का जो इंटरफेस है इस प्रकार से है। ऊपर देखिए 6.12 लीटर है, इस पर क्लिक करना है और नीचे लिखा होगा व्यू मोर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस पर आप आ जाओगे। यहाँ पर देखिए 6.12 लीटर मतलब टोटल 6 लीटर इसमें पेट्रोल कलेक्ट कर लिया हमने। और ये कलेक्ट कैसे किया, स्पिन वगैरह करके। यहाँ पर 4 स्पिन रोजाना फ्री मिलती है और नीचे भी ऑप्शन है कलेक्ट करने के। तो इस पेट्रोल को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसकी प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में समझाई हुई है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है 10 प्लस ऑफर्स अनलॉक। अगर यहाँ पर आपका कार वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले आपको कार वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग नहीं जानते कार वेरीफिकेशन क्या होता है तो उनको मैं समझा दूँ कि कार नंबर और चेसिस नंबर, जो गाड़ी का चेसिस नंबर होता है, वो लगा के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब कुछ भाई के पास कार नंबर नहीं होगा या कार नहीं है तो उनको क्या करना है, हमने नीचे नंबर दिया हुआ है एजेंट का व्हाट्सअप नंबर, उस पर आपको मैसेज करना है। उनसे बोलना है कि भैया हमें कार नंबर और चेसिस नंबर चाहिए, वो आपसे 100 रुपये चार्ज लेगा और आपको वेरीफिकेशन करके दे देगा, ठीक है। तो कार की डिटेल वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इस पेट्रोल को आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जितनी पेट्रोल की रेट है उसके हिसाब से लगा लो, 650 रुपये के लगभग ये पेट्रोल हो जाता है। तो 100 रुपये देकर आप इसको आराम से निकाल सकते हो। और वो जो रिडीम के ऑप्शन है ना, वो सारे वेरीफिकेशन के बाद ही खोलेंगे, तो पहले वेरीफाई करना ज़रूरी है, उसके बाद खोलेंगे। अब चलिए अपडेट के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हम बैक आ जाते हैं। फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है जिस प्रकार से हम क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ML एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पेट्रोल वाउचर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट आया है, डू ए फास्ट टैग रिचार्ज ऑफ मिनिमम 200 टू अनलॉक, ठीक है। तो यहाँ पर 200 रुपये का ये मिनिमम रिचार्ज करवा रहा है, तो किसी में तो 200 रुपये का आ रहा है और किसी में 400 रुपये का आ रहा है रिचार्ज। और जिन भाइयों को वेरीफाई है उनके पास भी आ रहा है, जिनका वेरीफाई नहीं है उनके पास भी आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। इसका एक ही सॉल्यूशन है, उसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है कि अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का वो है फास्टैग रिचार्ज, तो उस पर आप आसानी से 200 रुपये का रिचार्ज कर सकते हो, ताकि वो पैसे आपके बैंक में ही चला जाए। जैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक पे फास्टैग पे रिचार्ज करोगे ना, तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में ही जाएगा, तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हो। एक तो ये है इसका सॉल्यूशन, और दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इसमें ओरिजिनल कार नंबर लगाकर ओरिजिनल रिचार्ज करना पड़ेगा 200 रुपये का, तो ये आगे की प्रोसेस बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, नया अपडेट आया है, पहले कोई रिचार्ज नहीं कर रहा था इसकी वजह से। तो इसमें या तो ओरिजिनल नंबर लगा कर करो या फिर आप फास्टैग पर एयरटेल फास्टैग पर कर सकते हो, जिससे पैसा खाते में ही आए और उसको वापस ले सको। तो ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए, इससे पेट्रोल कैसे निकलेगा, कैसे रिडीम करेंगे, कैसे पेट्रोल पंप पर जाकर हमको सब कुछ करना है, वो हमने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। इसलिए उन वीडियो को जाकर देखो और सब कुछ समझ जाओ। अगर नए बंदे आए हैं हमारी वीडियो देखने, तो उनके लिए पिछली वीडियो आसानी से समझ सकते हो। तो बस यही समझाना था दोस्तों, ये नया अपडेट है, इसके बारे में घबराना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।